टाइम आपने जीता है सगाली में, आपका रिएक्शन कैसा है सर? सगाली का पब्लिक का प्यार अभी भी है, पहले से था, और क्योंकि सगाली का जो लोग है हम एक दूसरे से दिल से चाहते हैं, दिल से पहचानते हैं, और एक दूसरे को आपसे पहले से हम साथ दिया, पहले से वो लोग भी साथ दिया और अभी भी साथ दे रहे हैं। मेरा डेवलपमेंट जो एक्टिविटी जो कंटिन्यूटी होगा, पहले से सगाली को हम बनाने में शुरुआत किया और अभी भी चल रहा है डेवलपमेंट। हाँ, जो भी कमिटमेंट पब्लिक के सामने में जो दिया है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, वो इलेक्शन का मैनिफेस्टो है, और जो भी सरकार होगा उसके सामने में हम लोग रखेंगे। जो बेसिक फैसिलिटीज है, जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो लॉसेस है, हम लोगों ने प्रमिस किया था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर्स, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फार्मर्स लोगों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देना है और स्टेट गवर्नमेंट भी देना है। अच्छा, इसी समय एक इलेक्शन में हार जीत होता है, हार जीत तो होता है, तो अभी इस समय में जो आप विनिंग होने ऐसा क्या उसका ये बात लेके आपका डिस्करेज होता है? बिल्कुल नहीं, नो डिस्करेजमेंट एट ऑल। और आपका वर्कर्स को अभी क्या बोलना चाहता है इसी समय में? अपना वर्कर्स को अभी मैं घर में रुका है, मिलके जाके बात करूंगा। कॉन्टेस्ट करते समय में एक मैनिफेस्टो होता है, नहीं जितने से भी वो मैनिफेस्टो को आप लागू करेगा? आई विल गिव माई बेस्ट। लेकिन अभी हरा है, इट डज नॉट मीन दैट आई विल फॉरगेट माई मैनिफेस्टो। अगर आप उसी से पहले एक साल दो साल पहले अगर पार्टी में ज्वाइन करता तो आप उससे बेटर परफॉर्म करना था? पार्टी में तो मैं एनपीपी में आई वॉज इन ओनली 20 days, ओनली ऑन 19th आई ज्वाइंट, ऑन 11th वोटिंग हुआ, मुझे इफेक्टिवली 20 दिन मिला, 20 दिन में जो मैंने किया आई सपोज आई हैव डन एनफ। और आपको और भी बेटर कर सकता था, लेकिन बीजेपी में अगर टिकट मुझे देता तो बीजेपी का आज सगाली में MLA होता, तो बीजेपी हाईकमान इंटेंशनली नहीं चाहता सगाली में बीजेपी का MLA हो, दे डोंट वॉन्ट बीजेपी MLA फ्रॉम सगाली। अब जो इलेक्शन में एक हार जीत होता है, हाँ, तो आप इस बार नहीं जीता है, आप डिस्करेज हुआ है नहीं जीता है बोल के? नहीं, मेरा कोई डिस्करेज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो एक ऑल टाइम एक पार्टी कार्यकर्ता हूँ ना, तो आज हमारा सगाली का जनता ने मुझे नहीं चुना है वो अलग बात है, लेकिन हमको नहीं चुन के मैं लगता है कि मतलब सगाली के जनता ने जो विकास नरेंद्र मोदी का पेमा खांडू का जो विकास सगाली में जो आना था, शायद इसमें हमारा नहीं जीतने का वजह से थोड़ा कम आ सकते हैं, सगाली के जनता को तकलीफ हो सकता है। और इसलिए हाँ, इसी समय में आप अपना वर्कर्स को क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग काम करेंगे। और आप नेक्स्ट टाइम में भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा? हाँ जरूर, अब शुरुआत है, जरूर करेंगे। जो इलेक्शन एजेंडा रखा था आप, हाँ हाँ, हारने से भी आप वो एजेंडा को आप इम्प्लीमेंट करेगा? इम्प्लीमेंट कोशिश करेंगे, जो भी हमने जो एजेंडा पब्लिक के सामने रखा इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश में मैं करूँगा, और हमेशा प्रयास रहूँगा कि जनता को सेवा करने के लिए।